सो जय श्याराम दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने गांव का एक और तालाब जिसका नाम है दबोला। वहां से तो ये दबोला तालाब है, ठीक है। तो यहाँ इसको बोलते हैं पचरी, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ के उनको तो पता होगा और बाहर को शायद थोड़ा नहीं पता होगा। इधर बजरंग बली जी का मंदिर है, जय श्री राम सभी को। और इधर पूरा खेत है, ठीक है, इधर पूरा खेत है, इधर से उधर उधर ऐसा खेत है और उधर रेल लाइन है, ठीक है। तो आज के ब्लॉग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग नहाएंगे और उसके बाद नहाने के बाद देखते हैं घर जाएंगे तो पूजा होगा और कुछ कुछ होगा। तो पूरा जो कुछ भी होगा पूरा ब्लॉग इस वीडियो में रहेगा, तो ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। जय श्री राम। हरि की पचारी नमो नमो, जग कल्याणी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पचारी नमो नमो, सपन भोग छाति सुजन, सपन भोग छाति सुजन, बिन तुलसी के हरि करवाए, बिन तुलसी के प्रभु करवाए, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो, हरि की पचारी नमो नमो, नमो 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 नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो, हरि की पचारी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो, सब सखिया बिन मंगल गावे, भक्ति दान दे दो महारानी, सब सखियन बिन मंगल गावे, भक्ति दान दे दो महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो, शिव ब्रह्मादिक अवसरकारी, शिव ब्रह्मादिक अवसरकारी, भोजत फेरत मामुनि ग्यारी, शिव ब्रह्मादिक अवसरकारी, शिव ब्रह्मादि अवसरकारी, भोजत फेरत मामुनि ग्यारी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पचारी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो, हरि की I'm not afraid to die.
में कोई भूल हो गया हो जिसकी प्रायश्चित कहीं संभव नहीं हो तो देवी भागवत की कथा सुनने से उसका प्रायश्चित सहज हो जाता है। तो ऐसे राज्यम शत्रु भी प्राप्त मलेच्छे पापरते अर्धगुप्त नवरात्रि। आपको मैंने उसका महीना भी बता दिया था कब कब होता है। तो राजन उस नवरात्र को विधि पूर्वक तुम उपवास रखो और सुचिता का धर्म का पालन करो। घर में जहां तक हो सके पवित्रता का पालन करो। ब्रह्मचर्य है उसमें रहो। मांस मदिरा आमिष भोजन जिसको अभक्ष भोजन वो न किया जाए। तामसिक भोजन न किया जाए जैसे लहसुन प्याज वगैरह, क्योंकि जैसे खाओगे अन्न वैसे हो जाता है मन। इसलिए ये तामसिक प्रवृत्ति है, आलस्य लाता है लहसुन प्याज खाने से, इसीलिए इसको वर्जित किया जाता है। वक्ता के लिए भी और मुख्य श्रोता के लिए भी, दोनों के लिए। राजा छल करिया कार्य मत करना, ये शरीर में ऐसे 9 दिन के लिए भी प्रतिबंधित रहता है। और आजकल तो पंडित जी लोग भी चकाचक बैठते हैं और श्रोता लोग भी चकाचक अपना ऐसे नित्य प्रतिदिन जो जो फोटो आना है इसलिए नहीं नहीं, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है अरे ये कार्य नहीं होना चाहिए। और कहा गया है अल्पहारी रहे। आहार के बारे में मैं ये कहता हूँ जिससे आप रुच जाए हल्का भोजन, नींद ना आए, कथा का श्रवण कर लो। अब भाई विशेष परिस्थिति है तो आप सोफा में बैठे, चेयर में बैठे, सोकर सुने, मैंने तो शुरू दिन ही कहा था सुने ये बहुत जरूरी है। आप ये जिनके श्रवण समुद्र समाना, सुनने के लिए का पाठ करने वाला कबीर
अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, इसलिए भाव से रुद्राष्टक का पाठ करिएगा मेरे साथ। नमामि जमीसान निरे वाड़ूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि जमीसान निरे वाड़ूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं तिरुकुलम्
ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए जो पिछला मतलब जो पांचवा दिन वाला ब्लॉग था वो भी बहुत लेट अपलोड हुआ, लगभग 4:30 बजे अपलोड हुआ शाम में। और मतलब बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से ब्लॉग ज़्यादा शूट कर नहीं पाता, क्योंकि तो जैसे सुबह उठता हूँ उसके बाद टंकी में पानी भरना पड़ता, बहुत सारा एक्सेप्ट कुछ काम रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। आज का ये छोटा सा ब्लॉग है, अब इस ब्लॉग को इंजॉय कीजिए और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार कीजिए। बाय बाय, जय श्री राम।